क्या नाम है आपका? नंदिनी खोसला। कहाँ से आए हैं आप? देहरादून। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? 2012 में। आप पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? मेरी मासी हैं हिसार की, मंजू नाम है उनका, उनके माध्यम से मैं इस भक्ति में आई हूँ। उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी थी। ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या पढ़ने को मिलता है कि जो भी श्रद्धालु उसको पढ़ता है और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चला आता है? मैंने तो मैक्सिमम मैंने पूरी नहीं पढ़ी, थोड़े से 2-3 पन्ने पढ़ते, बट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम जिसकी पूजा पाठ करते थे वहाँ मिला कोई भी नहीं मिला, और जिसमें लिखा है हम इतना पूजा पाठ करते थे और हमें हम फिर भी मेरा जन्म फंसे, हम बाबा इस धरती पर आ जाते हैं, हमें हमारी मुक्ति नहीं होती, हम सोचते हमारी मुक्ति होगी, हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा तैसा बोलेंगे, लेकिन मतलब कुछ होता ही नहीं ऐसा। फिर हम क्यों भक्ति कर रहे हैं कि जब हमें दुखी आते हैं, हम बहुत परेशान रहते हैं, तब फिर मैं इस भक्ति में मैं जुड़ गई थी। जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उसको कोई ना कोई लाभ होता ही है। आध्यात्मिकता की बात करें या फिर भौतिकता की बात करें, आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या लाभ मिला? सर आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने मतलब कि परमात्मा ने मेरे को दिखाई है, अन्यथा और किसी समाज ने भी नहीं देखा है, जो परमात्मा ने मुझे दिखाई है। जबकि अभी मेरी जब भक्ति पूरी हो जाती है तब परमात्मा दिखाते हैं, लेकिन मुझे परमात्मा ने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया मुझे अपनी में, जबकि भक्ति चल रही थी। क्या दिखाया संत रामपाल जी महाराज जी ने? जैसा कि आपने बताया कि भक्ति पूरी होने के बाद वो चीज़ें देखी जा सकती है जो आपने भक्ति पूरी होने से पहले देखी है, और जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या देखा आपने जो आप बताना चाहते हैं? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मुझे सपने में आए, मेरे को लेके गए, विमान में बिठा कर मुझे सतलोक लेके गए हैं गुरु जी। पहले नर्क आए, नर्क में बहुत जीवात्मा रो रही थी, तड़प रही थी, परमात्मा को पुकार रही थी। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको सतलोक, नरक दर्शन, स्वर्ग दर्शन कराते हैं, पूरा डिटेल में बताइए, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, क्या क्या आपने देखा, पूरा बताइए। मेरे को पहले परमात्मा मतलब कि उड़ाकर एकदम ले गए, पहाड़ बीच में पहाड़ वगैरह भी। आप बार बार में संत रामपाल जी महाराज व परमात्मा शब्द संबोधित कर रहे हैं, कृपया यहाँ पर आप क्लियर करते चले कि किस टाइम पे आप परमात्मा को देखते हैं और किस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज को देखते हैं, कौन आपके साथ होता है? संत रामपाल जी, तत्वदर्शी संत रामपाल जी मेरे भी साथ में थे। तो पहले हम मतलब उड़ा के ले गए विमान में बिठा कर, मुझे डर भी लगा बीच बीच में, बट मेरे को मैंने परमात्मा को गुरु जी को मतलब कि पकड़ रखा था, तत्वदर्शी संत रामपाल जी को पकड़ रखा था, मेरे को बहुत डर भी लगता रहा, बट फिर गुरु जी ने मुझे कहा कि बेटा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले पहाड़ वगैरह में ही घुमाते रहे, फिर गुरु जी ऊपर नरक में लेके गए, नरक में बहुत जीवात्मा तड़प रही थी। नरक का नज़ारा कैसा था, क्या आपने देखा, क्या हो रहा था वहाँ पर, कैसे आपने देखा? बहुत मतलब कि बहुत गंदा नरक था, बहुत गंदा नरक था, वहाँ पर इतनी बड़ी तपेदशिला थी, बहुत बड़ी तपेदशिला थी, और उसमें मतलब कि कोई जीव आत्मा तड़प रही थी, मतलब फ्राई कर रहे थे उसको, मतलब कि बहुत मतलब चल रहे थे उसे, और वो जीव आत्मा मतलब बहुत तेज से तड़प रही थी, और मतलब कि आगे मतलब कहीं को मतलब कि घसी जा रहा था, कहीं से मतलब कि कोड़ों से मारा जा रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने पापों को वो कर रही थी, वो भुगतान कर रही थी। और गुरु जी मतलब तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मेरे बगल में थे, और उन्होंने मतलब कि मुँह फेर लिया था, वो पीछे तरफ कर लिया था, और मैंने गुरु जी को देख लिया कि गुरु जी ने गुरु जी रो रहे थे, मैंने देखा गुरु जी को, तो मैंने बोला कि गुरु जी क्यों रो रहे हो, परमात्मा मुझे बताओ आप क्यों रो रहे हो, और लेकिन मुझे गुरु जी ने कहा नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, मुझे रोना नहीं आता है, मैं नहीं रोता हूँ। मैंने कहा नहीं गुरु जी मुझे बताओ, मेरे आँखों में उस वक्त में बहुत आंसू आ गए थे और मैं रो पड़ी थी। फिर गुरु जी ने कहा कि बेटा देख मेरी जीव आत्मा कैसे तड़प रही थी, मेरे को पुकार रही थी, बट मेरी कोई अब तभी नाम दीक्षा लेंगे जब ये मतलब कि अभी जब मेरे को प्राप्त होंगे तो द्वार सिंह को मनुष्य जीवन मिलेगा, तभी मेरे को प्राप्त करके तभी भक्ति करके तब चलेंगे मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, मतलब मेरे को आंसू आ गए थे गुरु जी के, और गुरु जी में भी आ गए थे। फिर गुरु जी आगे स्वर्ग में लेके गए, स्वर्ग में बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा रहन सहन था वहाँ पर, बहुत अच्छा रहन सहन था वहाँ पर, मतलब कि डांस वगैरह नाच गाने वगैरह भी चल रहे थे, और वहाँ पर जिनकी भक्ति अच्छी होगी वो मतलब कि वहाँ पर सब ठाट मजे कर रहे थे वहाँ पर वो। फिर आगे ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब आगे गुरु जी, फिर आगे विमान में बैठे बैठे ही आगे गए हम, आगे पहाड़ भी थे वगैरह भी थे, फिर आगे हम ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में गए हम, वो सब बैठे हुए थे अपनी बातें वगैरह कर रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे वो, बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे वो। फिर आगे परमात्मा मतलब आगे फिर पहाड़ काला सा अंधेरा आ गया, फिर अंधेरा फिर से आ गया, फिर मतलब आगे ज्योति निरंजन काल बैठा हुआ था वहाँ पे, और मैं उसे देख के बहुत डर गई थी। मैं उस वक्त कभी परमात्मा आ गई थी, उस वक्त जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज नहीं थे, कभी परमात्मा थे, और मैं कभी परमात्मा के बगल में खड़ी थी, बट मेरे को डर लगने लगा, आगे सामने ज्योति निरंजन काल था, मैं गुरु जी के पीछे छुप गई, अब मेरा गुरु जी ने मेरा
लेफ्ट साइड हैंड पकड़ के मुझे आगे लेके आए। लेकिन अभी आपने कहा कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज नहीं थे, केवल कबीर साहब थे, तो फिर आप कह रहे हैं कि आप गुरु जी के पीछे छुप गए, ये कैसे? कबीर परमात्मा के पीछे छुप गई थी मैं, फिर मतलब परमात्मा ने मेरे को आगे लाकर आगे अपने बराबर में मुझे खड़ा करा और कहा कि क्यों डर रहे हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा ठीक है परमात्मा। फिर आगे ज्योति निरंजन बैठा था, उसके मतलब कि कुंडल जैसे बाल थे, बहुत घने घने बाल थे और वो मतलब बहुत बड़ा था, मतलब उसका शरीर भी इतना, बॉडी इतनी गंदी थी उसकी, बहुत गंदी थी, वो बहुत गंदा दिख रहा था। वो लंबी मतलब मोटी मोटी सी आँखें, मतलब बड़ी बड़ी आँख वगैरह, और उसके नेल्स भी कितने गंदे थे उसके, बहुत गंदा इंसान था वो, मतलब बहुत गंदा था वो, और उसे डर भी लग रहा था, बहुत डरावना था बहुत ज़्यादा। फिर उसने मेरे को रोक लिया, उसने मेरे को रोका क्योंकि ये परमात्मा वो मतलब पहले गुरु जी कैसे हो गया और कहा कि गुरु जी परम पिता परमात्मा इसे कहाँ लेके जा रहे हो, इसकी बैठ इसकी भक्ति नहीं है, इसे कहाँ लेके जा रहे हो। फिर परम पिता परमात्मा कभी परमात्मा ने कहा इसकी भक्ति पूरी है, देख लो। और फिर उन्होंने देखा, ज्योति निरंजन काल ने देखा मेरी भक्ति को, मतलब कि उसने अपनी रील वगैरह चलाई, उसने देखा कि उसकी भक्ति पूरी थी और मेरी मतलब भक्ति पूरी हो गई थी। फिर आगे कहा कि हाँ इसे जी परमात्मा इसे आप ले जा सकते हो, ऐसे कहने लग गया ज्योति निरंजन कि जी परमात्मा इसे आप ले जा सकते हो, इसकी भक्ति पूरी है। तो आगे ठीक है जी। फिर गुरु जी ने कहा, उसने अपना सिर मतलब यूँ कर लिया और सिर रख के मैंने उसके ऊपर पैर रखा, पैर रखते ही मेरे को बहुत डर लगा। मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं नहीं रख पाऊँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कि नहीं मैं तेरे साथ हूँ, ये कुछ नहीं करेगा, तू पैर रख इसके सिर पे। फिर मैंने पैर रखा सिर पे और उसका पैर उसका सिर ऐसे हो गया था नीचे, इसने कर लिया था और मैंने सिर पे पैर रखा उसके। फिर मतलब विमान आगे मुझे लेके चले गए परमात्मा, आगे अंधेरा सा आया, मतलब कि पहाड़ भी आए परमात्मा, एकदम बहुत तेज़ स्पीड में लेके गए विमान को, बहुत सुंदर विमान था और आगे तेज़ स्पीड में लेके गए। और कुछ बातें मैं आपको 100 में से 10% मैं शायद बता पाऊँगी, क्योंकि मैं कुछ बातों का मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं उन शब्द उन जो मन कहना चाह रही हूँ उन वर्ड्स में नहीं दे पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सतलोक के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि फिर मेरे को कुछ सतलोक ले गए, इतना बड़ा सुंदर गेट था, मतलब चमकदार गेट था, मतलब उसमें रोशनी सी आ रही थी, जैसे गुरु जी का घर आने लगा, अपना परमात्मा पिता का घर आने लगा, हमारा घर आने लगा, तब फिर वो बहुत रोशनी आ रही थी उसे आगे उसमें से, तब फिर हमने वो गुरु जी को देखते उसने गेट को अपना खुल गया। फिर हम आगे गए, आगे बहुत अच्छे मतलब कि शीश महल वगैरह ऐसे मतलब इस टाइप में था, बहुत सुंदर महल थे, इतने सुंदर सुंदर महल थे अंदर, मतलब कि काफ़ी, और खाली पड़े थे, मतलब कि काफ़ी मतलब एक मैक्सिमम कम भरा होगा, एक भी कमरा मतलब कम वो है मतलब, और सब देखे मतलब खुश भी हो रहे थे। फिर परमात्मा आए गुरु जी, मतलब कभी परमात्मा आए आगे, फिर आगे गए हम। फिर उनका आसन था, आसन भी मतलब चमकदार रोशन टाइप था, बहुत गोल्डन कलर का था, बहुत मस्त था, बहुत सुंदर था वो। उसमें गुरु जी बैठ गए, मैंने फिर गुरु जी भी आसन पर बैठ गए। अब गुरु जी के मैं आराम कर रहा हूँ, तुम घूम लो। मैंने कहा ठीक है परमात्मा, यहाँ घूम लूँ कि ओके। फिर मतलब गुरु जी ने कहा ठीक है, मैं चली गई वहाँ पे। एक सतलोक की एक माई मिली, उसका मतलब कि बहुत लंबे लंबे मतलब कि उनके मतलब कि लंबे लंबे वो थे, उनके शरीर वगैरह थे, बहुत कद बहुत बड़े बड़े थे उनके, कद बहुत बड़े बड़े थे और बहुत सुंदर था उनके, उनके चेहरे पे नूर बहुत आ रहा था, नूर बहुत था उनके चेहरे पे। और वो नूर आया और मतलब कि कहने लगे तुम कहाँ से, हमने ऐसे मतलब बताया। फिर कहती ठीक है तो मैं पूरा घुमाती हूँ। फिर आगे वहाँ पर स्वामी रामदेवानंद जी, बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी और जीतानंद जी, गरीबदास जी सब ऊपर बैठे थे वहीं पर, मतलब कि वहीं पर सतलोक में बैठे थे। तो मैं उनको देख के मैं बहुत खुश हुई, मैंने उनको देख के डोनर प्रणाम करी, डोनर प्रणाम करके और मैंने बातचीत की, चरणों की सेवा दी और मैं मतलब मुझे आँख में रोना आ गया और मैं भागकर मैं गुरु जी कभी परमात्मा के चरणों में मैं गिर गई और मुझे रोना आ गया उनके चरणों पे। फिर गुरु जी उठ गए, मतलब सो रखे थे वो, तो गुरु जी सो रखे थे, मैं उठ गई और फिर गुरु जी क्यों रो रहे हो। मैंने गुरु जी आपने मेरे को बहुत बड़ी चीज़ दे दी है, अब मैं परमात्मा कभी नहीं जाऊँगी, अब मैं यहीं रहूँगी आपके पास। फिर गुरु जी ने कहा नहीं तुम नीचे जाओगी, वो भक्ति मेरी थी और अपनी भक्ति जो उन मंत्र में देता हूँ उन मंत्र का जाप करो, फिर तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाएगी, फिर तुम आ जाना वापस इस यहाँ पर अपने घर में। फिर गुरु जी ने कहा वो मेरी भक्ति थी, सिर्फ दिखाया है कि तुम आगे मतलब कि अपनी भक्ति ढंग से कर सको, दृढ़ बन के कर सको, इसलिए दिखाया है और अपनी भक्ति जल्द अच्छे से कर और नीचे जाइए तू। फिर परमात्मा ने मैंने कहा, गुरु जी ने कहा तुम्हें भूख लग रही है। मैंने कहा जी परमात्मा मुझे भूख लग रही है, क्या खाओगे। फिर गुरु जी ने मैंने कहा कि गुरु जी खीर खाऊंगी परमात्मा मुझे खीर खानी है। फिर गुरु जी ने मुझे खीर खिलाई, 2 कटोरी मैंने खीर खाई, बहुत टेस्टी थी, मतलब उसमें इतना जो हम घर में बनाते हैं जो हम नीचे खाते हैं उसमें कोई मतलब वो था ही नहीं, एकदम इतनी स्वादिष्ट से मतलब पति ने हमने कहा ऐसे कौन सी खाई हमने कि आज तक वो स्वाद है अभी तक है मेरे मुँह में।
हाँ मुझे फील हो रही थी जब मतलब कि मैं अपने मतलब कि मैं उठी तब मेरे को फील हुई थी, तब मतलब कि मैंने ऊपर खीर खाए धोकर तो मेरा पेट भरा हुआ था, मुझे फील हो रहा था उस वक्त। अक्सर जो लोग भक्ति करते हैं, साधनाएं करते हैं, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो भी आता है उनको फील होता है, उनको पता होता है कि अध्यात्म से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। तो जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा, तो आपने मरने के बाद जहाँ लोग जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जाते हैं, वो आपने देखा, आपने स्वर्ग देखा, नरक देखा, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा? जो लोग ये कहते हैं कि किसने देखा मरने के बाद किसने देखा है, लेकिन मैं कहती हूँ मैंने देखा है, परमात्मा ने मुझे दिखाया है। और आप इस भक्ति में आएँ, जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में आओ, और फिर आपको जो मुझे दिखाया है फिर उस भक्ति से आपको भी माता दिखा सकते हैं और उनके बारे में पता भी चलेगा आपको। अभी जो आपने ये बताया ये आध्यात्मिक लाभ है, ये व्यक्ति को मरने के बाद प्राप्त होते हैं, लेकिन इस संसार में रहने के लिए भी भौतिक लाभ की, मानसिक लाभ की जरूरत होती है इंसान को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इस पृथ्वी लोक पे क्या लाभ मिले? मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, मतलब नाम उपदेश लेने से पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमने जगह जगह जाकर हमने देवी माँ देवी देवताओं को पूजा, बहुत जगह जगह जाए, झाड़ झपटे करवाए, हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। हमने बहुत पैसा खर्च करा, बट मम्मा को कोई वो नहीं, मतलब कि से कुछ नहीं हुआ, मतलब आराम वगैरह कहीं नहीं मिला। फिर एक मेरी मासी हैं, मंजू नाम है उनका, हिसार से हैं वे, उन्होंने हमें फिर इस भक्ति मार्ग में हमें बताया कि इस भक्ति में लोगों सब ठीक हो जाओगे। तब अब से मम्मा काफ़ी ठीक है परमात्मा की दया से। क्या आपका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी व्यक्ति अब नाम लेगा उनको भी वैसे ही लाभ होंगे जैसे आपको हो रहे हैं? हाँ जी जरूर होंगे, उनको मतलब जो हमें लाभ हुए हैं वैसे उनको भी लाभ होंगे। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि इन परमात्मा की भक्ति में आएं और अपना जन्म मरण से पीछा छुट। जो पुस्तक आपने पढ़ी ज्ञान गंगा, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपका जीवन बदल गया, वो पुस्तक श्रद्धालु कैसे मंगवा सकते हैं? साधना टीवी पे जो येलो कलर की नीचे वो पट्टी सी आती है उस पर मतलब कि निम्न नंबर्स भी हैं जिसे अपने आप पुस्तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पुस्तक ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब।